मैं आ गई हूँ अपनी मौसी के घर। तो यहाँ पर ये देख लो परी, परी से आप लोग मिल लो। खूब सारे वीडियो में देखा था ना, शादी वाले वीडियो में खूब परी का डांस आया है। और यहाँ तो बस अभी मौसी के यहाँ पहुंचे और ये छोटू छोटू लुद्रू के बाल चले गए हैं और मौसी का सारा अरेंजमेंट हो गया है, खाना बनने जा रहा है। ये परी सारी दाल क्यों निकाल के रखी है ऐसे? वो अभी कथा हुई थी ना तो ना उसका, अच्छा पूजा के लिए, पूजा के लिए की दाल। तो कब थी कथा? कथा परसों रसो थी। परसों रसो होता तो हम भी आ तो चलो अभी मौसी के यहाँ आए हैं और थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करूंगी मैं और उसके बाद फिर जाना है, हमें आगे बढ़ना है। और इन लोगों की आइसक्रीम पार्टी, आइसक्रीम पार्टी हो गई, बताओ आइसक्रीम पार्टी हो गई। आइसक्रीम खाए हैं और ये दोनों मामा भांजा अक्षत मामा भांजा है। तो इधर मौसी का मंदिर बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, लाइट वाइट जल रही है। तो चलो अभी बैठ जाते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखो मौसी घड़े का पानी पीती है, फ्रिज का पानी बहुत नुकसान करता है, तो बढ़िया घड़े का शुद्ध पानी है और बन रहा है शरबत। ये देख सकते हो खूब सारा सिकंजी, नींबू पानी डाल करके खूब सारी सिकंजी बन रही है। और गर्मियों में ना यही अमृत है। मौसी ने कहा चाय वाय बनाते, मैंने कहा नहीं भैया ठंडा पानी पिलाइए और या फिर शरबत पिलाइए। तो ये बढ़िया सिकंजी बना रही है, तो हम लोग अभी सिकंजी पियेंगे। और आद्या ना परी के साथ ना एकदम मस्त हो गई है और परी खूब खेल रही है और ये परी को परी भी नहीं बोल पा रही है, पीती पीती। लेकिन परी जो है ना मौसी है इन लोगों की, तो परी मौसी के साथ ये लोग खूब खेल रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ मैं बच्चों को खाना खिला रही हूँ क्योंकि सुबह से मॉर्निंग में निकले हुए हैं और रास्ते में मैं टिफ़िन वगैरह लिया था मैंने, लेकिन रास्ते में बच्चे ठीक से खा नहीं पाए थे। तो अभी हो रही है इन लोगों की पेट पूजा। और आद्या की आवाज़ आपको थोड़ी थोड़ी आ रही होगी क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो ये मेरे पास ही बैठी रहती है और ऐसे ही इन लोगों को खाना खिलाना होता है। तो बस मैं इन लोगों को खाना खिला रही हूँ और ये है मौसी का घर, तो यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और मैं इन लोगों को खाना खिला रही हूँ। तो मौसी यहाँ पे थाली लगा रही हैं और लाइट पीछे से आ रही है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब रोशनी चेहरे पे पड़ रही है और बहुत सारी चीज़ें बना डाली, नारी का साग भी बना रही है। पता नहीं आप लोगों क्या क्या बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नारी का साग ही बोला जाता है इसको। तालाब में पानी में होता है, वो जो तालाब में पानी में होता है उसी को बोलते हैं नारी का साग। बनता है वहाँ भी, पापा हमारे बहुत खाते हैं तो मम्मी काट के बनाया करती है और बहुत सारी चीज़ें मौसी ने बनाई हैं। तो अभी फुल थाली जो है वो जाने वाली है, तो ये खा लेते हैं। हाँ पानी दे रहे हैं, चलो पानी दे रहे हैं। आ गई है और देख करके ना मुंह में पानी आ रहा है। चलो अभी हम लोग खाना ना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। अपने
बालों को कॉम कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ सुबह निकली थी वहाँ से तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा गीले थे, तो अभी काफ़ी उलझ गए थे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कॉम कर रही हूँ। और बस अब हम लोग मौसी के घर से निकल रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो आप धूप कितनी तेज़ है, और आद्याना मुझे परेशान कर रही है, भाग रही है इधर से उधर, तो अभी मैं इनको पकड़ रही हूँ और ये ना ऐसे ही मुझे परेशान करती है, इधर से उधर भागना शुरू हो जाती है, और छोटे बच्चों में ना यही होता है। और देखो हमें कौन मिल गया है, और अब हम आ गए हैं अपने बड़ी वाली मौसी के घर। और आते ही मैं किस काम में लग गई हूँ, आते ही मैं अक्षत को रेडी करने लगी हूँ, क्योंकि सुबह से निकले हैं और जो कपड़े पहन करके निकले थे वही पहने हुए हैं, और हमें जाना है फंक्शन में, और शादी का फंक्शन है, शादी का वीडियो आपको देखने को मिलेगा, शादी के फंक्शन हो रहे हैं वहाँ पर, तो वहीं जाना है। तो अभी मैं अक्षत के यहाँ पर कपड़े चेंज कर रही हूँ, इनके हाथ पैर धुलाऊँगी और थोड़ा सा ये फ्रेश फील करेगा। और मौसी खूब मस्त हैं, खूब बातें कर रही हैं आद्या से, और आद्या ना घूम घूम करके पूरे घर में घूम रही है, मतलब मस्ती कर रही है, और ये भी बैठे हुए हैं। तो बस अक्षत बोल रहा है कि मम्मा मैं इतने ज़्यादा कपड़े नहीं पहनूंगा, मुझे गर्मी बहुत लग रही है, तो बस ये मैं कॉटन की शर्ट और पैंट ही उनको पहनाने वाली हूँ, और ऊपर से वो कोटी टाइप जो ब्लेज़र है वो नहीं पहनाने वाली हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। लोग आ गए हैं मौसी के घर, और मैंने अभी भी फेस वॉश किया है ना, पूरे टाइम सुबह से निकले निकले ना चेहरे पे इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी एकदम, और गर्मी के तो हाल आज पूछो नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मौसी गई थी कहीं कीर्तन में, तो सुंदर कांड मंदिर पीछे, हाँ, तो अभी वहाँ से वापस आई हैं, और ये देखो क्या बना रही हैं, इतना कहीं ये खा लो वो खा लो, तो हम छोटी वाली मौसी यहाँ से खाना बना करके रखे हैं, और ये हमसे बताई तक नहीं है, और वहाँ से रानी के यहाँ से खाना खा करके आ रही है, इतनी हमको गुस्सा है, हमने कहा चाहे रोटी खाओ चाहे पूरी खाओ, अब मुझे भी खिला, दो पेट तो मैं करने से रही, खाने को तैयार नहीं, अगर नहीं खाएंगे दो पेट तो नहीं होने वाला। फिर मौसी को हमने बोला कि आप शरबत बना दीजिए, तो ये बढ़िया नींबू वाला शरबत बन गया है, तो अभी हम लोग शरबत पियेंगे, और बस मुझे कपड़े चेंज करना है, थोड़ा सा तैयार होना है। देखिए अच्छा नहीं किए ना, एक मौसी क्या खा रहा है, एक मौसी क्या ना खा रहा है, नींबू पानी शरबत है, नींबू पानी, अच्छा, नींबू पानी, तो मौसी दे रही है अक्षत को ना, खाली नींबू पानी पसंद है, वो चीनी नमक कुछ नहीं डलवाता है, तो बस मौसी वही शरबत दे रही है उसको, तो चलो। यहाँ पर मौसी ना बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही हैं कि मैं ना छोटी वाली मौसी को ज़्यादा प्यार करती हूँ, उनको नहीं करती हूँ, तो ये मतलब कौन सी बात हो गई कि एक मौसी का मान और दूसरी का अपमान। तो मैं बोल रही हूँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस हम उनके घर पहले पहुँच गए, उनका घर पहले पड़ रहा था, तो वहाँ हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है, इस वजह से हम यहाँ पर नहीं खा पा रहे हैं, तो मौसी नाराज़ हो रही कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम लोगों को खाना है तो खाना है। और बस देख सकते हो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, और जल्दी जल्दी ना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैंने ये जो मेकअप किया है बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में किया है, बस सिंपली तैयार हो गई हूँ, जो मुझे समझ में आया वो कर लिया है, और बस अभी यहाँ से हमें फिर आंटी जी के घर जाना है, तो अभी हम लोग आंटी जी के घर भी नज़दीक में ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना है, तो मैं जा रही हूँ अभी फंक्शन में, अब आपको बता रहे हैं कि किसी का इंतज़ार था, अब समझ गए ना कि कौन है, इसीलिए कह रहे हैं कि कोई मेहमान नहीं है, कोई अपनी बहुत खास अपनी है जिसको आना था, तो अब आप लोगों से बता रहे हैं कि किसको है आना था, और बहुत दिनों बाद आई हूँ ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मौसी लोगों से मिल करके, दोनों मौसियाँ, ये अद्दू को क्या हमेशा इसको वीडियो में, हाय मैं रेडी हूँ, देख सकते हो आप, अभी तक बोल रही हूँ बहुत अच्छे लग रहे हैं, कैसी लग रही है करके बताइएगा, ये ना पहले भाई साहब के लिए पास के तकलीफ करने में गई, जहाँ वो आरती में जा रही ना वहाँ पर 3 साल रहे हो ना, हाँ 3 साल तक भी, तो ये ना आंटी जी हमें बहुत चाहती है, मतलब बहुत मानती हैं, इसलिए मुझे आज आना पड़ा, हमेशा इसका यहाँ आना, कभी दोपहर 12 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे पास ही रहती थी, जहाँ और यहाँ पे ना मुझे अपना नेकलेस थोड़ा सा ज़्यादा मतलब लॉन्ग लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर लूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी क्लिप कहाँ है, तो अभी मैं मौसी से बोल रही हूँ कि मेरा थोड़ा सा सही कर दीजिए, तो ये छोटी वाली मौसी हैं जो मौसी की देवरानी, वो सही कर रही हैं इसको, तो
बस उनसे सही करवा लूँ। और बस हड़बड़ी इतनी ज़्यादा, ये बोल रहे हैं चलो निकल, कब तुम तैयार होगी और कब हम वहाँ पहुँचेंगे, ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएं। तो मैं बोल रही हूँ बस हो रहा है यार, बस निकल रहे हैं। तो देख सकते हो आद्या भी रेडी हो गई है, और इसकी फ्रॉक ना अंदर से कॉटन ही है तो कम्फर्टेबल है, बट फिर भी गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। और अब बस मैं निकल रही हूँ, तो चलो अभी हम आपको फंक्शन में ही मिलेंगे। सीढ़ियों से नीचे आ गई हूँ और ये ना बाहर खड़े होकर के वेट कर रहे थे, बोल रहे थे तुम लेडीज़ का ना बस पाँच मिनट कह करके ना बहुत बहुत टाइम तक वेट करवा लेते हो। तो हाँ सच में यार, मतलब कहना होता है कि बस दो मिनट रुक जाइए। और मौसी भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, और साथ में मौसी मेरा मजाक भी करती जा रही कि आज तुम हस्बैंड वाइफ दोनों ने ब्लैक वियर कर लिया है। तो एक्चुअली मैं बताऊँ, कोई प्लानिंग नहीं थी हमारे ये ऐसा करने की, ये बस अपने आप हो गया है। कभी कभी मतलब अचानक से कुछ चीज़ें मैच कर जाती हैं। और यहाँ पर मैं बाहर खड़ी हूँ, काफ़ी साल लखनऊ में रही हूँ ना, तो यहाँ से मेरा बहुत ही खास अटैचमेंट है। तो मौसी वही पुरानी बातें सब याद कर रही हैं और मुझे भी रिमाइंडर करवा रही हैं। तो बस यहीं पर गेट पर ही खड़े खड़े हमारी बातें हो रही, जब तक ये गाड़ी को टर्न कर रहे हैं तब तक हम लोग की बातें भी होती जा रही हैं। और अब मैं आपको सीधा वहीं मिलूँगी जिनके यहाँ फंक्शन है, जिनके यहाँ मैं शादी में जा रही हूँ, तो वहीं के वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी अगर इस वीडियो में मैं उसको कंटिन्यू करूँगी तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग भी ना देखते देखते बोर हो जाओगे। तो अभी मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और हाँ अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा विथ बेल आइकन। और मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए